जय जगन्नाथ। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो सुपर फूड बोलते हैं उसका इंग्लिश नाम है स्पिरिनुला। वो उसको आजकल नया जमाने में उसका जो फार्मिंग किया जाता है उसके कम जमीन में थोड़ा मोटा कमाई हो जाता है। वो तो हम जो मनुष्य के लिए फार्मिंग करते हैं वही चीज़ को अगर हम खुद फार्मिंग करके अपनी ज़मीन में डालेंगे तो पौधे की वृद्धि और विकास और पैदावार हम इससे ज़्यादा ले सकेंगे। और उसका और एक बेनिफिट है कि हम जो सी वुड से जो बाज़ार में सागरिका और दूसरी कंपनी का भी प्राइवेट कंपनी के भी आता है वो उससे क्या होता है हमको बार बार वो चीज़ खरीदना पड़ता है मार्केट से। और मार्केट में भी सागरिका का कोई जो अवेलेबल है वो बीच बीच में बंद हो जाता है। वो क्या होता है समुद्र में एक सवाल होता है उसको ये समुद्र में तो फ्री में मिलता है मगर उसका जो वहाँ समुद्र से ला के किसान तक पहुँचने से वो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाते हैं। हम एक साधारण किसान की बड़ा किसान भी वो समुद्र के अंदर से उसे नहीं ले पाएगा। ये इसलिए हम बड़े बड़े कंपनी का ऊपर डिपेंडेबल है। वो जितना पैसा वो गवर्नमेंट फिक्स करता है हम उतना ही उनको देना पड़ता है। मगर जो स्पिरिनुला है ये ऐसा ही एक चीज़ है मगर हमारा ये धरती में 1000 से भी ज़्यादा प्रजाति का जो काई होता है मगर वो जो स्पिरिनुला है वो उसको हम मनुष्य के लिए खाने के लिए उपयोग करते हैं। जो बड़ा बड़ा लोग है वो जब ये खाने का उनको टाइम नहीं मिलता है वो क्या करते वो स्पिरिनुला का टैबलेट ले लेते हैं। और जो ये हम इसे क्या करेंगे अगर ये जो सी वुड से हम उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं उसका रिजल्ट भी अच्छा है मगर क्या होता है उसे हमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन ये जो स्पिरिनुला है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमको उसका बीज भी चाहिए और वो जो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा वो नमक का पानी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे वो ये स्पिरिनुला का बीज को ये जो नमक ये पानी में थोड़ा नमक मिला के उसका पीएच लेवल 11 के आसपास कर देंगे करके उसे जो स्पिरिनुला का जो बीज है उसको मिला देंगे। मिला देने से क्या होता है ये वो हमको बीच बीच में हमको प्रोडक्शन दे देता है। हमको उसको कपड़े में छान के लेके पौधों पर दे देंगे और नहीं तो जो हम जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसी में अगर हम डाल देंगे उसको तो हमारा वर्मी कंपोस्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम इसी क्वालिटी अच्छा होने से क्या हमारा ये पौधों की जो बढ़वार और जो प्रोडक्शन वो भी अच्छा मिलेगा और ज़्यादा दिन तक मिलेगा। एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और दूसरा होता है क्या उसको ये
हमको ज़्यादा भी दिन तक मिलता है। देखिए वो उसका जो एक किलो स्पिरिनुला में कितना का न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है हम देखेंगे। एक किलो स्पिरिनुला की ये पाउडर से हमको 5000 किलो मूल्य में जितना आयरन मिलता है हमको एक किलो में मिल जाएगा। जो बेटा कोरोटीन मिलता है कैरोट में, जो गाजर में, 1000 किलो में जितना बेटा कोरोटीन मिलता है हमको यही एक ही किलो में मिल जाएगा। 500 लीटर 500